यस फ्रेंड्स, तो अब हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। सेम प्रॉब्लम हमने पहले भी की हुई है, लेकिन उसमें हमने सारे बजट्स की कैलकुलेशन की थी। इसमें हमको एक पार्ट करना है, करते हैं, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। पीएच लिमिटेड हैज स्पेशलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ सब असेंबलीज रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन इक्विपमेंट। द करेंट पैटर्न ऑफ सेल्स ऑफ असेंबलीज इज इन द रेशियो ऑफ यूनिट में दे रखा है 1:2:4। द सब असेंबलीज कंसिस्ट ऑफ दिस, और इसकी सेलिंग प्राइस ये है, और इसमें जो कंपोनेंट्स लगने हैं उनकी प्राइस दे रखी है। डायरेक्ट लेबर आवर्स जो लगेंगे उनकी डिटेल दे रखी है और उनके रेट्स भी दे रखे हैं। लेबरर्स वर्क फॉर 8 आवर्स इन अ डे फॉर 25 आवर मंथ। वेरिएबल ओवरहेड जो दे रखे हैं वो ये है। फिक्स्ड ओवरहेड हमारे ये दे रखे हैं। ऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। द टारगेटेड प्रॉफिट है हमारा 120 लाख का। द कंपनी हैज टू प्लान टू रिसीव द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सब असेंबलीज ऑफ एंड कंपोनेंट्स बाय 10% एज कंपेयर टू द ओपनिंग स्टॉक। फाइंड द सेल्स इन क्वांटिटी। ठीक है, सेल निकाल ली है हमें क्वांटिटीज में। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, देखिए जो हमें चीजें दी हैं पहले हम वो देख लेंगे। हमको दी गई है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का टोटल कर लें 15,722.26, तो 29 लाख। फिक्स कॉस्ट आई हमारे 29,84,000 पर मंथ। इसके बाद जो हमें प्रॉफिट है वो भी दे रखा है, 120 लाख पर ईयर है। इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 10 लाख पर मंथ आ जाएगा। यानी कि हमें जो कंट्रीब्यूशन अर्न करना है वो अर्न करना है हमें 30,84,000। ठीक है, अब जब हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो हमें 30,84,000 जो कंट्रीब्यूशन अर्न करना है वो सभी प्रोडक्ट से करना है। तो सभी प्रोडक्ट से करना है, तो ऐसे केस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ग्रुप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड कितना आएगा, 30,84,000 डिवाइडेड बाई ग्रुप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। और इसके लिए हम लोगों को वर्किंग नोट रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, बस देखें यहां पर लिखेंगे हम सब असेंबलीज पी क्यू आर। सेलिंग प्राइस कितनी है, 430, 500, 600। अब हम बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट में पहला आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में फ्रेम है, पार्ट एक्स है, पार्ट वाई है, पार्ट जेड है। ठीक है, फ्रेम कितनी लगती है, 1-1 लगती है, और इसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो 40 रुपये है।
एक्स कितना लगता है? 10 to 6 लगते हैं। उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो ₹16 है। वाई कितना लगता है? 214.10 लगता है। इसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो 10 है। और जेड कितना लगता है? 8.10.2 लगता है। इसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो 8 है। इसके बाद हमारा आएगा डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर में देखें, हम डायरेक्ट लेबर में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है। लेबर हमारी दो है, स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। 4 3 3 चार तीन तीन चार चार छ। इसका जो रेट है वो ₹6 रेट है और अनस्किल्ड का जो रेट है वो ₹5 का रेट है। ठीक है, फिर है वेरिएबल ओवरहेड। जो वेरिएबल ओवरहेड है वो देखिए लिखा हुआ है ₹10 एंड ₹8 ₹7। तो 10, 8, 7 तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी कितनी? वेरिएबल कॉस्ट आएगी आपकी, सबको ऐड कर दें तो ये आएगी 322 318 303। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा 108 318 है तो ये आ जाएगा 182 और 297। ठीक है, सो ग्रुप सीपीयू इज इक्वल टू होता है C1W1 C2W2 C3W3 अपॉन W1 plus W2 plus W3, वेयर W1 is to W2 is to W3 इज इक्वल टू 1:2:4। ये गिवेन है। तो ग्रुप सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा 108 into 1 182 into 2 प्लस 297 into 4, 1 plus 2 plus 4, ये आ जाएगा आपका 237.14। ठीक है, सो ये कितना आएगा? 39,84,000 अपॉन 237.14। इसको देखेंगे तो ये 16,800 यूनिट्स हो जाएंगी। सो पीज नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगी 16,800 into 1/7। क्यूज नंबर ऑफ यूनिट्स 16,800 2/7। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो आपने देखा क्वेश्चन में बजट का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट लगाए हमने मार्जिनल के, यही होता है।
ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए।